बता रहे थे, अब ये बताया हफीज की मुलाकात हुई है जैक अशरफ साहब से, आपको लगता है कि थोड़ा रिजीम चेंज होगा, कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले लोग आएंगे, मिसबा, हफीज, इंजमाम, इस हवाले से कोई बात हो रही है कि ये आएंगे, या फिर आपको लगता है कि इंग्लैंड से भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि किसी को मधु किया जाएगा, उनको भी जॉब दी जाएगी? देखें भाई, बात यह है कि कुछ भी नहीं होगा, ना फीस आएगा ना देखें, मिसबा आया था, उसने कौन सा कल्चर परवान चढ़ाया था, दोस्ती यारी, उसने तबाही बर्बादी पाके। देखें आप मुझे इंटरिम सेटअप देते हैं 3 महीने के लिए कि मोहसिन साहब आप आए चीजें ठीक करें, मैं खुद ही अपने आप को चेयरमैन बना लेता हूं। ये वही मिसबा है ना, बैटिंग कोच, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, तो हर चीज में नाकाम। हफीज ने अभी कल रिटायरमेंट ली है, अभी वो अमेरिकन लीग में खेल रहा है। भाईजान मेरी बात सुने, अगर बोर्ड को ठीक करना है, राशिद लतीफ, सईद अब्बास, जावेद मियादार, मोहसिन हसन खान, सईद अनवर, यूनस खान, और नाम बताऊं इनमें से छह नाम आपने बताए, चार नाम तो बोर्ड में आना ही नहीं चाहते, राशिद अली आना नहीं चाहते बोर्ड के अंदर, अली सलमान इसलिए नहीं आना चाहते कि टूथलेस होके हाथ बंधे होके क्यों आएंगे।